तैयारियां अच्छी चल रही है, बहुत शानदार माइक आ गया और बड़े रूप में सब डेलीगेट को बुलाया गया है कैटेगरी बना करके, और मैं समझता हूँ कि जो चिंतन मंथन होगा वो एक नैरेटिव बनाएगा देश के अंदर। कांग्रेस की जो विचारधारा है, जो गांधी जी के वक्त की है, पंडित नेहरू के वक्त की है, मौलाना आज़ाद थे, सरदार पटेल थे, अम्बेडकर साहब संविधान बनाए, तो एक वो बेसिस रहा, चित्र था देश का, और इसलिए देश एक व अखंड रहा और देश का विकास आधुनिक भारत है। तो उन नीतियों के कार्यक्रमों के सिद्धांत आधार पर है, चाहे ध्यान चलेगी इंदिरा जी की या राजीव गांधी जी की, सुभाष बैंकी जी की, पर खालिस्तान नहीं बनने दिया। और आज स्थिति पूरे देश के अंदर हालात है, क्योंकि हर लड़की डरा हुआ सहमा हुआ है, हिंसा का माहौल बन गया है, दंगे भड़काए जा रहे हैं। तो मैंने तो मांग की थी अमित शाह जी से भी आप एक सुप्रीम कोर्ट के हाईकोर्ट जज को बिठाओ, और सात राज्यों में जो दंगे हुए थे, रामनवमी पर दंगे हुए थे, वही दंगा एक करोड़ हुआ उसके पहले नौ वर्ष पर, और सबकी आठों जगहों की जो अप्रोच है दंगे की, बोर्ड ऑफ बना हुआ है जो उनका, वो एक साथ तो मालूम पड़े तो आगे दंगे रुक जाएंगे। अगर जांच के अंदर क्या कॉन्स्टिट्यूंसी है, कौन करवा रहा है, अगर वो सामने आता है तो पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर है, आगे दंगे होने रुक जाएंगे, कौन कॉन्स्टिट्यूंसी कर रहा है। एक साथ में एक मॉडल ऑपरेटिव से दंगे क्या हो रहा वो चिंता विषय होना चाहिए। तो मैंने कहा कि आपको होम मिनिस्ट्री को आ जाना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्टेड का मामला है, इंटरेस्टेड का तो रास्ता तो कुछ कर नहीं सकता, हम तो अपना जाँच कर ही रहे हैं। और सबसे बड़ी स्थिति है कि करौली हो चाहे जोधपुर हो, जोधपुर में आज तक दंगे कभी हुए नहीं, ऐसे शांत जिले को पूरे मारवाड़ को अपना एक अलग तरह की है, वहाँ पर प्रेम भाईचारा है, पूरे प्रदेश का माहौल अलग तरह का देश के अंदर, राजस्थान में लोग शांतिप्रिय लोग हैं, सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, और फिर भी हिंसा का माहौल बना दिया, ये बहुत खतरनाक ट्रेंड चल रही। कौन इसके पीछे हैं, हमारी पुलिस जांच कर रही है, हमने अलग से उसके लिए कमेटी बना दी है, जांच बड़ी गंभीरता से करेंगे जिससे कि सत्य सामने आ सके, सच्चाई सामने आ सके। हिंसा हिंसा ही होती है, उसको कंडेम हर व्यक्ति को करना चाहिए। हमने क्या दोष किया, अगर मैंने प्रधानमंत्री जी से मांग करी कि भाई आपको आगे आने आके देशवासियों का आप एड्रेस करो कि किसी भी कीमत पर नंबर एक ये जो दंगे भड़काते हैं ये एंटी सोशल एलिमेंट है, ये किसी बड़ी पार्टी के नहीं हो सकते, ना होने चाहिए। नंबर दो, इनको राज्य सरकारें इनके लिए अलग इनके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर जिससे कि इनकी घटनाएं नहीं हो। प्रधानमंत्री जी को आगे आके राष्ट्र को संबोधन करने में क्या दिक्कत हो सकती है, कई बड़ी पार्टी मांग करें उनसे, ये ऐसा बिंदु है प्रधानमंत्री मोदी को खुद को आगे आकर के, ये तो क्या एक अच्छी बात है ना, पता नहीं उनके क्या सलाहकारों ने क्या सलाह दे दी होगी, कुछ कारण जो वो अभी तक तो उन्होंने ये किया नहीं है, कंडेम करना चाहिए। एक बार उन्होंने किया था जब सजा बनी थी 14 के अंदर, तब उन्होंने कहा था ये लिचिंग हो रही है, ये एंटी सोशल एलिमेंट है, लोगों ने स्वागत किया उनके स्टेटमेंट को, आज भी लोग भूले नहीं हैं उस स्टेटमेंट को। अब वक्त है बहुत बड़ा, पूरे कंट्री के अंदर ये माहौल है, आप देखिए एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में जा रही है, क्या क्या तमाशा हो रहा, पंजाब का दिल्ली का हम देखा, रास्ता की पुलिस को दिल्ली तक आना पड़ा। तो अब जो स्थिति बन रही है आप खुद देख रहे हो कि बहुत ही अजीब स्थिति बन रही है, माहौल अजीब बन रहा है, ये रोकने का वक्त है। नहीं कैसे दे सकते हैं, कानून अपना काम करता है, हमारी दृष्टि कर रहा है, हम कभी नहीं चाहेंगे यूपी की तरह फेक एनकाउंटर हो, बुलडोजर चले गरीबों पर, बड़ा आसान काम है, ये आग लगाना आसान होता है, आग को बुझाना बड़ा मुश्किल काम होता है, वो बात लागू होती है इस प्रकार के माहौल बनते वक्त में। सर कोरोना में 47 लाख लोगों के लोग मारे जाते हैं, दूसरा महंगाई इतनी बढ़ गई, रसोई गैस के दाम बढ़ रहे, उन पर मुद्दों पर बात नहीं हो रही है, ऐसे कम्युनल इश्यूज आ रहे हैं सामने, तो आप इस कांग्रेस ये तो बड़ा आरोप है केंद्र सरकार पे भी
पूरा कंट्री हाहाकार कर रहा है। नौजवान समझ नहीं पा रहा हो क्या रहा देश के अंदर, नौकरियाँ कहाँ चली गई, नौकरियाँ लग क्यों नहीं रही हमारी। और जो आप देख रहे हो कि जो आर्टिकल आ रहे हैं, जिस प्रकार से शोध हो रहा, रिसर्च हो रही है कि लोग निराश होकर गाँव में चले गए हैं, रोजगार मांगने वाले इतने निराश हो गए हैं इस माहौल से कि हमें कोई उम्मीद नहीं है नौकरी की, तो गाँव में जाके बैठ रहे हैं। अब वो आप जानते हो कि जब फेस्टिवल आता है उनके अंदर, तो कई बार कानून की स्थिति बिगड़ती भी है, घटना दुर्घटनाएं होती है, अन्याय उत्पीड़न वो होता है, महिलाओं के साथ में अत्याचार होते हैं। तो ये माहौल को ठीक करने हम सबकी जिम्मेवारी है, इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी की एक ही बात नहीं है, सबको मिलके करना पड़ेगा। तो ये स्थिति बनी हुई है सर, कानून व्यवस्था पर बीजेपी लगातार सवाल खड़ा कर रही है, कह रही है कि कानून व्यवस्था चौपट हो गया। बीजेपी लगातार ये वो चौपट कर रहे हैं वो लोग, हमारी शिकायत उनसे ही तो है कि राजस्थान में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ही शानदार रही है। अब ये जो करौली घटना हुई है, फिर रामगढ़ में मंदिर जब सड़क चौड़ी कर रहे थे, तो वहीं बोर्ड उनका ही है, उन्होंने प्रस्ताव पास किया, बीजेपी का बोर्ड है, 35 में से 34 मेंबर पार्षद उनके हैं, वो प्रस्ताव पास कर रहे हैं, उसके बाद में आंदोलन खड़ा कर दिया कांग्रेस के खिलाफ में। ये जो हरकतें हो रही है ये उचित तो नहीं है सर, इतनी ज्यादा। और केंद्रीय मंत्रियों को, नेताओं को ये कहा जा रहा है कि आप हर इशू को लंबा खींचते जाओ, हर इशू को लंबा खींचो, करौली अभी तक चल रहा देश भर के अंदर, जबकि वहाँ घटना एक घंटे की हुई, जो तनाव हुआ था, दुकानें जलाई गई, एक घंटे में सब समाप्त हो गया। और आज पूरे देश के अंदर अभी भी करौली का नाम आता है। तो आप अगर तनाव होना एक बात है, कुछ घटनाएं छुटपुट हो गई हो वो दूसरी बात है, और दंगा भड़कना तीसरी बात है। आप दंगा भड़कने से हम लोग रोकने में कामयाब रहे हैं, ये कोई कम बात है क्या? एक कैजुअलिटी नहीं हो पाई वहाँ पर, और उसके बाद में ही बड़ा प्रचार प्रसार चल रहा है, दिल्ली से कई मीडिया वाले गए वहाँ पर, केंद्रीय मंत्रियों घर जाके तो गपशप करते हैं, बाहर जाके वो फिर बाइट लेते हैं, तो ये नाटक चलता रहता है। मैं बहुत गंभीर तरह कहना चाहूँगा, ये तमाम आरएसएस बीजेपी के जो लोग हैं, इनको चाहिए, आज तुम सत्ता में बैठ गए हो, अच्छी बात है, डेमोक्रेसी है, और विथ ह्यूमिलिटी कांग्रेस ने हार स्वीकार करी। अब उसके बाद में समझ में नहीं आता, हम कोई आपस में दुश्मन है क्या? ये तो लड़ाई विचारधाराओं की लड़ाई है, सरकार बदलती रहती है, पर जिस रूप में ये लोग ये भड़का रहे दंगों को, इसमें षड्यंत्र है, षड्यंत्र की बू आती है, और मैं समझता हूँ ये सामने भी आएगा। केंद्र सरकार अगर आगे आ जाए तो काम आसान हो जाएगा, क्योंकि 7 राज्यों में एक सा तरीके दंगा होना ये मायने रखता है। लेकिन टारगेट राजस्थान ही रहता है। राजस्थान तो टारगेट हमेशा रहेगा, पहले से वो तो रहेगा रहेगा। सर राजस्थान में जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का क्राइसिस है, उस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है और बिजली की बहुत ज्यादा किल्लत है। देखिए तो 16 राज्यों के अंदर क्राइसिस चल रहा है बिजली का, उसमें राजस्थान भी एक है। हम लोग जो बिजली खरीदते हैं मार्केट से, उसमें हम लोग अपनी बोली लगाते हैं, बोली लगानी पड़ती है। अब उसमें 12 रुपये रेट है, भारत सरकार ने आजकल फिक्स कर दी है, हम 12 रुपये तक भी खरीदने के तैयार हैं हमारी जनता के लिए, परंतु वो 12 रुपये में नहीं मिल पा रही है, तो वो तकलीफ सबको तकलीफ हो रही है। तो मैं चाहूँगा जल्दी से जल्दी जो कोयले का संकट है, विदेश मंगाना है या देश से उत्पादन जो एक्सकेवेशन करना है होना चाहिए, और ये संकट समाप्त होना चाहिए।